श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कुरुवंश के बारे में। कुरुवंश कौन थे, एक्चुअल कुरु कौन थे? कुरु महाभारत में वर्णित कुरुवंश के प्रथम पुरुष कहे जाते हैं। वे बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी राजा थे। उन्हीं के नाम पर कुरुवंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरुवंश में पैदा हुए हैं। पांडवों और कौरवों ने भी कुरुवंश में ही जन्म लिया था, पर एक्चुअल में वो कुरु नहीं थे। इसका डिटेल हम आपको फिर बताएंगे कभी कि क्यों नहीं थे, पर भी फिलहाल आपको यही मान के चलना है कि पांडव और कौरव कुरुवंश के थे, क्योंकि लास्ट गुरु जो थे वो भीष्म पितामह थे। विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशों में ही लड़ा गया है। अभी कुरु का जन्म कैसे हुआ? हिंदू धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा थे जिसका नाम था संवरण। संवरण वेदों को मानने वाला और सूर्यदेव के उपासक थे। वो जब तक सूर्यदेव की उपासना नहीं कर लेते थे, वो जल का एक घूंट भी कंड से नीचे नहीं उतरते थे। एक दिन संवरण हिम पर्वत पर आखेट के लिए निकले और वो भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें एक अत्यंत सुंदर युवती दिखाई दी। वो युवती इतनी सुंदर थी कि संवरण उस पर आसक्त हो गए। वो उनके पास जाकर बोले, लड़की के पास, कि तनवंगी तुम कौन हो? तुम देवी हो, गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा चित चंचल और व्याकुल हो उठा है। और वो वहां पे शादी का प्रपोजल दे देते हैं और कहते हैं कि आप उनसे गंधर्व विवाह कर लीजिए और कहते हैं कि हम सम्राट हैं और तुम्हें हर तरह से सुखी रखेंगे। युवती ने बताया कि सूर्य की छोटी पुत्री तापती है और उसने ये भी कहा कि जब तक सूर्यदेव की आज्ञा नहीं होगी, जब तक वो पिता श्री आज्ञा नहीं देंगे, मैं किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती। और कहती है कि यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न करना पड़ेगा। समरण ने सूर्यदेव की कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और वरदान स्वरूप पत्नी रूप में ताप्ती को मांग लिया। ताप्ती और समरण ने ही कुरु का जन्म दिया। राजा कुरु के नाम से ही कुरु महाजनपद का नाम प्रसिद्ध हुआ, जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है। इसका क्षेत्र आधुनिक हरियाणा, जो कुरुक्षेत्र के इर्द गिर्द था, वही है। इसकी राजधानी संभवतः हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ थी। कुरु के राज्य का विस्तार कहां तक रहा होगा, यह सबके लिए खोज की बात है, किंतु विश्व इतिहास में कुरु प्राचीन विश्व के सर्वाधिक विशाल साम्राज्य को नए आम देने वाले चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने ईरान में मेड़ साम्राज्य को अपने ही ससुर अस्ताग्यस से हस्तांतरित करते हुए साम्राज्य का नया नाम अजमेर साम्राज्य रखा था। इस साम्राज्य की सीमाएं भारत से मिस्र तक और लीबिया और ग्रीक तक विस्तृत थी। कौरव जो थे वो चंद्रवंशी थे। वे अपने आदि पुरुष के रूप में चंद्रमा को मानते थे। इनके जो आराध्य थे वे गुरु शुक्राचार्य थे और शिव थे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से ईरानंदन पुरुर्वा का जन्म हुआ। पुरुर्वा के कौशल्या से जन्मेजय, जन्मेजय ने अनंता और अनंता से प्रंचिनवान, प्रंचिनवान से अश्मिकी, अश्मिकी से सयाति, सयाति से वारंगी, वारंगी से अहन्याति, अहन्याति के भानमतु से सार्वभौम, सार्वभौम के सुनंदा से जैत्रसेन, जैत्रसेन के सुश्रवा से अवाचिन, अवाचिन के मर्यादा से अरिह, अरिह के खलवंगी से महाभौम, महाभौम के सूर्यशा से अनुतनाई, अनुतनाई के कामा से अक्रोधन, अक्रोधन से कारम्बा से देवादिदी, देवातिथि, देवातिथि के मर्यादा से अरिह, अरिह के सुदेवा से वृक्ष, वृक्ष के ज्वाला से मतिनार, मतिनार के सरस्वती से तंसु और तंसु के कालंदी से इलीन और इलीन के राथंत्री से दुष्यंत हुए। दुष्यंत के शकुंतला से हुए भरत और भरत के सुनंदा से भौमन्यु, भौमन्यु के विजय से सुहोत्र
सुहोत्र के सुवर्णा से हस्ती, हस्ती के यशोधरा से विकुंठन, विकुंठन के सुदेवा से अजमीर, अजमीर से संवरण हुए, संवरण के ताप्ती से कुरु हुए, जिनके नाम से वंश कुरु वंश कहलाया। कुरु के सुबांगी से विदुरत हुए और विदुरत के संप्रिया से हुए अनाश्रवा, अनाश्रवा के अमृता से हुए परीक्षित, परीक्षित के सूर्यशा से हुए भीमसेन, भीमसेन के कुमारी से हुए प्रतिश्रावा, प्रतिश्रावा से प्रतीप, प्रतीप के सुनंदा से तीन पुत्र हुए देवापी, वरापी एवं शांतनु का जन्म हुआ। देवापी किशोरावस्था में ही सन्यासी हो गए थे एवं ब्राह्मिक युवावस्था में अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में लग गए, इसलिए सबसे छोटे पुत्र शांतनु को गद्दी मिली। शांतनु के गंगा से देवव्रत हुए जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म का वंश आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। तो एक्चुअली में देखिए कुरु वंश यहीं पे खत्म होता है, समाप्त होता है, क्योंकि जो पांडव और कौरव थे या उनके जो पिता थे वो भीष्म से नहीं थे, वो फिर वेदव्यास से थे, क्योंकि वेदव्यास फिर किसी और पीढ़ी से चल के आता है। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर हुए, लेकिन इनका वंश भी आगे नहीं चल सका। इस तरह कुरु की शाखा डूब गई, लेकिन दूसरी शाखाओं ने मगध पर राज किया और तीसरी शाखा ने ईरान पर राज किया। तो ये थे पूरे कुरु वंश का इतिहास। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।